नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते साथियों। तो साथियों, कल एक वीडियो डाला था हमने टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती के ऊपर। हालांकि मेरे से पहले काफ़ी चैनलों ने वो वीडियो डाल दिया था। उसमें सब में यही बताया जा रहा था भाई, भर्ती जो नोटिफिकेशन है ये बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल ओरिजिनल ही लग रही है। हालांकि हमको तब भी नहीं लगा था, लेकिन आपने देखा होगा, मैंने जितनी बार भी फर्जी जो भर्तियाँ आई हैं, हर भर्ती वीडियो का जो पहले जो चैनल डाल चुके थे उन वीडियोज़ का विश्लेषण मैंने अपने चैनल पर किया है। ये तो आप पीछे मेरे जाकर के सारे वीडियोज़ देख सकते हो। मैंने कभी भी कोई फर्जी वीडियो नहीं डाला। इसमें भी मुझे संदेह पूरा लग रहा था, इसलिए मैंने कहा भी कि यार यहाँ पर जो 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 फर्जी वेबसाइट है वो भी यहाँ पर दिखा रही है कि मेंटेनेंस। और एक्चुअल में जो भी जॉन इंडियन, जैसे जॉन इंडियन आर्मी की वेबसाइट है, ऐसे ही जॉन टेरिटोरियल आर्मी .gov.in की इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है। जैसे कि आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो, जब उसको आप क्लिक करोगे तो इस टाइप का यहाँ पर वो आएगा। उसमें आपने कैप्चा भरना है, उसके बाद ही आप टेरिटोरियल आर्मी की जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसके अंदर एंट्रेंस करोगे। तो वहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन आता है दोस्तों, वो ऑफिसर्स के लिए आता है। अभी आपने देखा होगा, 2021 में ऑफिसर्स की भर्ती हुई थी, अभी 2022 में ऑफिसर्स की भर्ती हुई थी। उसके बाद उनका कुछ 18 दिसंबर को पेपर भी हुआ था, री एग्जाम हुआ था उनका, अभी रिजल्ट आ गया, उनकी वहाँ पर लिस्ट भी पड़ी हुई है। उनके तीन नोटिफिकेशन आपको रनिंग में चलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन मैं बोला यार, जब कोई बंदा काफ़ी दिन से परेशान हो, दुखी हो, उसी को थोड़े अगर बीच में थोड़ी खुशी दे दी जाए तो उसका दुख थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसलिए हमने आपको बीच में डाउटफुल रखा, ओरिजिनल नहीं बताया था कि मतलब इसमें, मतलब उसमें ये भी बोला कि यार का से नोटिफिकेशन फर्जी ना हो। पता तो हमको पहले से था, लेकिन वो फर्जी थी और वो फर्जी हो भी गई। तो साथियों, फर्जी होने के कारण उसमें तीन चार हैं जो कि मैंने कल नहीं बताए थे, इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। नंबर एक तो यह है कि जो ऑनलाइन भर्ती तो टीए की होती ही नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म इसके भरे नहीं जाते हैं। नंबर एक तो ये हो गया। ऊपर से नंबर दो ये हो गया कि ऑनलाइन फॉर्म तो ये भरवा ही रहे हैं, लेकिन उसका जो नोटिफिकेशन है, जो फॉर्म भरने का जो टाइम है, वो बहुत शॉर्ट दिया, यानी कि 6 दिन का ही। तो दोस्तों, कोई भी भर्ती आती है, पहली बात तो उसको एक शॉर्ट नोटिफिकेशन द्वारा पहले बता दिया जाता है कि भर्ती तब से होगी और जो उसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का विंडो है तब ओपन होगा। एक नंबर तो न्यूज़ ये हो जाती है। नंबर दो, चलो ऐसा नहीं भी बताते हैं तो कम से कम 20 से लेकर के 1 महीने का टाइम ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मिलता है, जबकि इसमें सिर्फ 6 दिन का ही दिया गया। अब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पिछले 3.5 साल से टीआरपी की भर्ती कोई नहीं हुई है और एक साथ सारे जोनों की भर्ती हो नहीं सकती। तो क्या एक साथ पूरे ओवरऑल इंडिया के बच्चे क्या 6 दिन के अंदर ही फॉर्म भर देंगे? नहीं भर पाएंगे ना, ये तो जाहिर सी बात है। ठीक है, नंबर एक तो ये हो गया। ऊपर से इसमें जो वैकेंसीज हैं, जो नोटिफिकेशन जो दिखा रहे हैं उसमें वैकेंसीज हैं, जब 3.5 साल से भर्ती नहीं आई है तो क्या वहाँ पर कुक की 6 वैकेंसी आएगी? जीडी सोल्जर की 108 या 200 वैकेंसी ही जाएंगी? खुद सोचिए इस चीज़ को। पहली बात तो यह कि इस टाइप की वैकेंसी जो आर्मी या जॉइंट इंडियन आर्मी का डिक्लेयर ही नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट भर्ती करते हैं और जिनको उतना जरूरत होती है, जितनी वैकेंसी उनको रखनी होती है उतनी ही भर्ती वो कर लेते हैं। लेकिन ऐसा इसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं देते कि हमको कुक 6 चाहिए या 62 मैन 4 चाहिए या जीडी सोल्जर हमारे को 200 चाहिए, 250 चाहिए, 173 चाहिए। ठीक है, उसके बाद ईमेल। तो देखो, किसी भाई ने कितना मतलब एडिटिंग किया है, ईमेल को भी यहाँ पर एडिटिंग किया गया है। जो ईमेल में इतनी मोटी मोटी ऊपर जो हेडिंग है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें लिखा है मोटा मोटा, ऐसे कोई भी ईमेल नहीं आता है। फिर ईमेल के अंदर जो भर्ती करने की बात है, वो आपका बेलगाम कर्नाटक में ही करी जा रही है, ओनली 115 डोरा के अंदर। और नोटिफिकेशन है उसमें पत्नी कम से कम 5-7-8-10 जगह भर्तियाँ की जो तरीके, वहाँ पर भर्ती होगी, वहाँ पर भर्ती होगी, उनका जिक्र कर रखा है। तो यानी कि कुल मिला के हर तरह से ये गलत ही गलत था। तो लेकिन दोस्तों, फिर भी अगर मेरे वीडियो डालने से आपको अगर कोई दुख पहुंचा हो या आपके दिल को आघात पहुंचा हो तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। ठीक है, मेरा तरफ से कभी कोई मतलब नहीं होता कि यार मैं आप लोगों को हमेशा जो भी वीडियो बनाता हूं आपके लिए मोटिवेशन के लिए बनाता हूं, जिससे आप मोटिव रहें हमेशा। और जो भी जानकारी मैं देता हूं, वो चाहे मैं BSF की दूँ, आर्मी की दूँ, या अग्निवीर की दूँ, या मेरा कोई भी वीडियो उठाकर देख लो, हर वीडियो में आपको सच्चाई मिलेगी, कोई वीडियो मेरा झूठा है ही नहीं। आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5-7 वीडियो तो पीछे जाकर बैक में जाकर देखो, मैंने BSF का डाला है, चाहे वो एयरफोर्स का डाला है, नेवी का डाला है, या CISF का डाला है, असम राफेल का डाला है, वो हमेशा सारी भर्ती आई हैं वो, और उनका सभी के नोटिफिकेशन है वो सारे ओरिजिनल ही हैं, उसमें कोई झूठ नहीं है। और उन लोगों ने, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आजकल लोगों ने क्या है, फ्रॉड करना सीख लिया है कि सोशल मीडिया पर कैसे न कैसे करके फ्रॉड किया जाए। उनको पता है कि यहाँ पर हमारे बच्चे तरस रहे हैं भर्ती के लिए, तो उनके मन से जो उनका बेचारा का मन है, भावुक करके उनको और उनसे छल कपट करके, आपने देखा होगा पिछली बार भी एक ऐसे ही काफ़ी एक फ्रॉड हुआ था टीआरपी के नाम पर, और उसमें लाखों लोगों ने फॉर्म भी भरे थे और काफ़ी पैसा लोगों का उसमें चला गया था, जबकि कोई भर्ती थी नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस संक्षिप्त शब्दों में आपको बता दिया, ये भर्ती भर्ती कुछ नहीं है, सारे ये फ्रॉड है, झूठ है। ठीक है, फिर हमने वीडियो बनाया, मैंने कल को अगर हो ही जाता है तो भाई कम से कम आप ये तो ना कहोगे कि यार अफसर आपने तो हमें बताया ही नहीं, पता तो हमको पहले से था। इसलिए भैया हम दोबारा से आगे क्षमा चाहते हैं, माफ़ कर दीजिएगा, ऐसी कोई भर्ती नहीं है।
और जो हमारे हमें पता है हमारे यूट्यूब परिवार बहुत अच्छा है, हमारी बातों पर विश्वास करते हैं और हमारे चैनल से जुड़े हैं। हम जो भी वीडियो डालते हैं वो सच्चाई वाला डालते हैं, इसलिए आप लोगों का हमसे बहुत लगाव है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।